नमस्ते, आज पीपल फार्म के किचन से हम आपके साथ एक चटपटी करारी रेसिपी लेके आए हैं। आज की जो रेसिपी है वो आपको बताएगी कि आप टोफू से घर पे टिक्की कैसे बना सकते हैं। जब भी हम टिक्की बनाते हैं तो हम आलू का इस्तेमाल करते हैं, पर अगर आप आलू की टिक्की खा के बोर हो गए हैं तो आप ज़रूर टोफू की बनी हुई टिक्की ट्राई कीजिएगा। अगर आपको नहीं पता कि टोफू कैसे बनता है तो मैंने उस पर पहले एक वीडियो किया था, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ रही हूँ, आप ज़रूर उसे बनाइएगा। हम सब जानते हैं जो सोयाबीन है उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू हमारे लिए जो बेनिफिट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं, और साथ ही साथ एक वो अफोर्डेबल सोर्स ऑफ प्रोटीन भी है। और जो लोग दूध नहीं पी सकते, दूध से एलर्जिक हैं या दूध छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, पनीर नहीं खा सकते, वो भी ये टिक्की का मज़ा ले सकते हैं। ये टिक्की अपने आप में ही बहुत स्वाद है, या आप इस पे इमली की चटनी, पुदीने की चटनी डालकर भी खा सकते हैं, या आप इसके बर्गर बना सकते हैं। तो चलिए रेसिपी देखते हैं। सबसे पहले हम लेंगे 250 ग्राम चूरा किया हुआ टोफू। इसमें हम डालेंगे एक कटोरी ओट्स, ये रेगुलर ओट्स हैं जिसको हमने मिक्सी में बारीक पीस लिया है। एक बड़े प्याज को हमने बारीक बारीक काट लिया है, वो हम इसमें डालेंगे। हमने 2 से 3 हरी मिर्च ली है, उसको भी बारीक काट कर इसमें डाल दिया है। अगर आप चाहें तो इसमें लहसुन भी डाल सकते हैं, मैंने इसमें 3 से 4 तुरियों को बारीक काट कर रख लिया है। फिर हमने ये थोड़े से लहसुन के ताज़े पत्ते लिए हैं, अगर आपके पास लहसुन के पत्ते नहीं हैं तो आप इसमें ताज़ा धनिया भी डाल सकते हैं। अगर आपको तीखा ज़्यादा पसंद है तो आप इसमें थोड़ी सी लाल मिर्ची भी डाल सकते हैं, और थोड़ा सा साबुत जीरा। अब इन सब चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। अगर आपको लग रहा है कि ये टोफू आपका थोड़ा गीला है अभी भी, तो आप इसमें थोड़ा सा और ओट्स का पाउडर ऐड कर सकते हैं, बट इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं ऐड करना। इन सब चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। अगर आपको लग रहा है कि आपका मिक्सचर अभी भी गीला है, जिससे आप टिक्की नहीं बना पा रहे, या वो टूट रही है, तो आप ओट्स का थोड़ा और पाउडर पीस कर इसमें मिक्स कर दीजिए, बट ध्यान रहे कि इसमें आप पानी ऐड नहीं कर सकते। और हथेलियों को इस्तेमाल करते हुए आप इसको टिक्कियों की शेप दे दीजिए। अब एक पैन में आप चाहें तो इन टिक्कियों को डीप फ्राई भी कर सकते हैं, या आप इसमें थोड़ा सा तेल डालकर इन टिक्कियों को तल भी सकते हैं। हमने कढ़ाई में थोड़ा सा तेल लिया है, इन टिक्कियों को हम दोनों तरह से अच्छी तरह से सेक लेंगे, पर अगर आप जल्दी में हैं तो आप चाहें तो इन टिक्कियों को डीप फ्राई भी कर सकते हैं ज़्यादा तेल लेकर। इन टिक्कियों को दोनों तरफ से अच्छी तरह से तल लीजिए, जब ये डार्क ब्राउन हो जाए तो ये सर्व करने के लिए तैयार है। तो चलिए अब हम इन टिक्कियों का इस्तेमाल करते हुए बर्गर बनाते हैं। बर्गर बनाने के लिए आप कोई भी ब्रेड का इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप बन भी ले सकते हैं। अब बन के दोनों हिस्सों पर हमने घर पर तैयार की हुई वीगन मेयोनीज लगाई है। उसके बाद आप अपनी पसंद की कोई भी सब्जियां इसमें काट कर डाल सकते हैं, जैसे कि प्याज, टमाटर, खीरा, और फिर उसके ऊपर एक टिक्की रख कर ये आप सर्व करें। अगर ये रेसिपी आप घर पे ट्राई करते हैं या इसको किसी डिफरेंट तरह से बनाते हैं तो आप प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू। बहुत से लोग हमें कहते हैं कि आप ये वीडियोस YouTube पे क्यों नहीं डालते, तो हमने YouTube पे अपना चैनल बना लिया है। चैनल का लिंक है youtube.com/peoplefarm।